गाइज वेलकम टू यूट्यूब चैनल गुलजार फ्रॉम नागपुर। तो गाइज आज फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं। आज हम आए हैं पतंग की मार्केट में। पिछले ब्लॉग में आपका बहुत कमेंट आए थे पतंग का ब्लॉग बनाओ, तो आज फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेके। ये देखिए, तो गाइज एक एक करके आपको पूरी पतंग दिखाएंगे। लेट्स गो। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के अलग अलग वैरायटी के पतंग है। क्या बोला तूने? और यहाँ पर हर चीज के पतंग अवेलेबल है, हर साइज के। ये ब्लैक गुलेदार अपना। तो अभी भैया हमें प्राइस बताने वाले हैं, चले देखते हैं और क्या प्राइस के कौन सी पतंग मिलती है। क्वालिटी देख सकते हैं आप, यहाँ पे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पतंग है। और गाइस देखिए सरप्राइज, कितनी छोटी है, इस शोकेस की होती है ना, ये शोकेस की पतंग है और ये अपने उड़ाने के लिए बेस्ट क्वालिटी। चलिए सबके अमाउंट देखते हैं। हाँ बताइए भैया। भैया बता दीजिए, पहले अपना इंट्रो बताइए, इंट्रो दीजिए आप। एड्रेस तन्वी पतंग शॉप, जूनी चुक्करवारी, कुंदीपुरा, गांधी पुतले के पास। मेरा नाम है पंकज कट्टे जी। ठीक है बताइए। 60 रुपये डजन, 5 रुपये का पर पीस गिरता है और सैकड़े में 450 रुपये सौ। हाँ उसके बाद में जयपुरी पतंग रहती है, ये 360 रुपये सौ। ओके ये गिरती है अहमदाबाद की पतंग, 5 रुपये की एक, सौ सैकड़ों से लेंगे तो 430 रुपये सौ। ठीक है ये अपनी नागपुर की पतंग है, हमारे कारागिर से बनी हुई। क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको? इसको लंगोट भांग बोलते हैं। अच्छा ये पड़ती है 800 रुपये सौ। ठीक है ये काली कलकत्ते वाली पतंग है। ओके ये गिरती है 600 रुपये सौ। ठीक है बताइए ना क्या बोलते हैं इसको, बड़े वाले की। हाँ बताइए इसको। ये गोलेदार है। ठीक है 5 रुपये पीस, सैकड़े में 500 रुपये सौ। ओके उसके बाद में छोटी चील, ये 120 रुपये डजन, सैकड़ा लोगे तो 700 रुपये सौ। ओके ये इसको छोटा अंडा बोलते हैं, ये 500 रुपये सौ। 500 रुपये सौ ये प्रिंट की पतंग, छोटे बच्चों के लिए। अच्छा 800 रुपये सौ। 8 रुपये की एक गिरती है, कस्टमर इसको 10-12 रुपये बेचते हैं। अच्छा ये होलसेल प्राइस है ना भैया? होलसेल प्राइस बता रहा
तो बोलते एकता एकता ये अभी 2800 रुपये 100 आती। अच्छा, इसको रिटेल प्राइस है 40 रुपये, 480 रुपये डजन। अच्छा, फिर बाद में ये बड़ा अंडा है, ये 1500 रुपये 100 आता, चिल्लर में 20 रुपये का एक पीस। उसके बाद ये फैंसी पतंग है, ये 2200 रुपये 100 आती, चिल्लर में 40 रुपये की एक। इस पे कितना ताव रहती है? ये 38 का साइज रहता है। 38 का साइज है, साइज के हिसाब से मिलता है, साइज के। अच्छा, ये ये 34 का साइज है। अच्छा, इसको लेंगे तो 1300 रुपये 100, 1300 का 100 100 पीस और 20 रुपए की एक नंबर। ये प्रिंट वाली पतंग है, ये 1000 रुपये 100 आती है, चिल्लर में 15 रुपये पीस। अच्छा, इसका साइज रहता 31 का, ये 1000 रुपये 100। अच्छा, बिक्री इसकी अभी तो 15 रुपये एक, 15 रुपये पर पीस। बड़ा पतंग बताइए। हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं? लंगोट बांग बोलते हैं। 27.5 की पतंग रही थी। हाँ, ये 700 रुपये 100 आती है, 700 रुपये की 100 रुपये। अच्छा, इनके बनाने का क्या प्रोसीजर रहता है, कुछ बताएंगे? बनाने का तो कारीगर के पास हमारे से लकड़ी का कमची दे देते हैं। अच्छा, वही बनाते हैं। मटेरियल आपका रहता है? मटेरियल आपका और कारीगर बनाते हैं। बस कमची। ये दो ताव की पतंग है। अच्छा, इसकी प्राइस है 3500 रुपये 100। अच्छा, इसमें दो ताव कैसे, अपने को पता कैसे चलेंगे कि इसमें दो ताव है? ये ताव, एक ये ब्लैक डिजाइन हो गई और एक ये व्हाइट डिजाइन हो गई, तो इसको दो ताव। अच्छा, ये फैशनेबल पतंग फैंसी ये है, लुधियाना की पतंग। अच्छा, ये अपने पास नहीं बनती, लुधियाना से आती है। लुधियाना से इसको झप्पू बोलते हैं। झप्पू, झप्पू, झप्पू पतंग। ओके, 4000 रुपये 100 है, चिल्लर में 50-60 रुपये की। अच्छा, ये पूरा लुधियाना का ही माल है, पूरा लुधियाना का माल है। और वो नागिन, कौन सी नागिन है? अच्छा, नागिन में जा रही है, नागिन बहुत जे रही है। ये घर के डेकोरेशन के लिए आप ये सारे पतंग का पूरा सेट यूज़ कर सकते हैं, है ना? और भी है यहाँ पे, अलग अलग वैरायटी की है, यहाँ पे पन्नी की है, यहाँ पे कागज़ की है, या घर के फैंसी डिज़ाइनिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए ये इसको यूज़ किया जाता है। ये देखिए, है ना भैया, अभी हमको कुछ चक्रियों के बारे में बताएंगे। हाँ बताइए। 190 रुपये डब्बा आता है, 100 पीस का रहता है। अच्छा, 100 पीस, 1 रुपये 90 पैसे की गिरती है। अच्छा, लोग इसको 5 पतंग पैक करके 20 रुपये का पैकेट बेचते हैं। काहे के लिए यूज होती है ये, थोड़ा बताइए? बच्चों की लूट, जो तिड़वा रहता है उसकी। अच्छा, ठीक है, बच्चों की लूट। और कुछ? उसके बाद में छोटी चक्री, हाँ, 190 रुपये 100। अच्छा, ये पूरा पैकेट ही आता है ना? पैकेट ही आता है। हाँ, और कुछ? हाँ, तो हाँ ये बताइए। रेड पांडा रहता, नवतार धागा रहता है इसमें, कॉटन मिक्स रहता है। ये 550 पहले स्टार्टिंग में लेंगे तो इसका रेट रहता 480-450 रुपये किलो। अच्छा, 450 रुपये किलो।
तो फिर इसमें यानी इससे कोई हानिकारक कुछ है? कुछ नहीं रहता। अच्छा, प्योर कार्टन है, पूरा कार्टन है ना? नौ तार धागा रहता। इससे हाथ वात कटने के कोई चांसेस? कोई चांसेस नहीं। अच्छा, यानी सेफ है ये? और चक्रियों का प्राइस बता दीजिए। ये चक्री होलसेल में लोगे तो 45 रुपए की गिरती है। अच्छा, और रिटर्न में 100 रुपए की एक गिरती है। और अपने कस्टमर के लिए जो होलसेल रहता है तो उसके लिए 45 रुपए। ओके, उसके बाद में ये 12 रील की चक्री रहती है, उसकी प्राइस है 80 रुपए। ये कौन से मेटल से बनी हुई है? ये पूरी लकड़ी फाइबर लकड़ी हेवी मटेरियल से बनी हुई है। अच्छा, और ये किसके लिए यूज होती है? ये मांझा या बरेली कोई भी उसे। इसमें कितना रील आ सकते हैं मिनिमम? 2 रील आती है इसमें, 6 रील आती है। हाँ, और इसमें 12 रील आती है। चलो बढ़िया। और जो आपके पास पीछे में रखे हुए हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये 12 तार में 1 रील का धागा है। 1 रील का धागा है। अच्छा, 310 रुपए गिरती है, रिटर्न में 550 रुपए बिक रही है। अच्छा, चिल्लर में। यानी ये सेम है ना दोनों? सेम दोनों। ये सिर्फ चक्रिया रखी है या फिर इनके अंदर मांझे भी है? मांझे प्लस है। अच्छा, हाँ। ये पैकिंग में इसलिए अभी खोल नहीं सकते अपन, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सम्राट का धागा रहता है, नौतार धागा रहता है। 3 रील की फुल भरती की चक्री है। अच्छा, ये गिरती है 450 रुपए की। अच्छा, कौन कौन से प्रकार के अपने पास यानी धागे रहते हैं? जैसे अपने पास 9 तार, 12 तार और 16 तार। 16 तार, 6 तार भी बरेली है। बरेली का मांझा रहता है। ये मांझा इस प्रकार से रहता है, देख लीजिए आप। देखिए, ये इससे कोई ये सेफ है, ये बस इंजॉयमेंट के लिए अपन यूज कर सकते हैं। इससे किसी का हानिकारक नहीं है, कोई हानिकारक नहीं है। इससे किसी के कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं होने वाला है इससे। ये बस इंजॉयमेंट के लिए अपन यूज कर सकते हैं। और ये जल्दी टूट जाता है, ब्रेक करके दिखाइए थोड़ा सा। ये देखो कोई हाथ वात में कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, कटा वटा नहीं, देख लीजिए। इसके बाद में ये 16 तार की चक्री है। हाँ, ये 3 रील फुल भरती रहती है। अच्छा, होलसेल रेट है 650 रुपए। 650 और चिल्लर में 1250 रुपए। ठीक है। ओके, तो फिर से आप एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए और दुकान शॉप का नाम बता दीजिए। हमारा है तन्वी पतंग शॉप। अच्छा, जूनी शुक्रवारी गांधी पुतला, सभी होलसेल माल मिलता है हमारे दुकान में। पिचकारी सब A to Z पिचकारी का भी रहता है। 12 महीने का काम है आपका? 12 महीने का सीजन होलसेल का काम रहता है। हाँ, तो आपके व्यूअर्स को आपका नंबर मिल सकता है? 9921600837। ओके, कार्ड है भैया? यदि कार्ड वार्ड रहा तो नहीं। अच्छा, यानी 12 महीने आप काम करते हो, है ना? हर सीजन में, है ना? हर फेस्टिवल का आप मटेरियल सप्लाई करते हो ना, होलसेल और चिल्लर में भी? ठीक है। अच्छा, धन्यवाद। आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आज आपको वीडियो पसंद आया और शेयर भी नहीं करते हो, प्लीज शेयर कर देना ये वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करना। और बताना हमको कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपने पिछले व्लॉग में किए थे बहुत, हमारे जो काइट मेकिंग का व्लॉग था, आपने बहुत कमेंट किए थे कि शॉप का व्लॉग लाओ। तो आज आपके लिए हम ये व्लॉग लेके आए थे। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा पतंग का प्राइस, मांझे का प्राइस, और बताना वीडियो कैसा बना है हमारा। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको न्यू अच्छे व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। बेस्ट क्वालिटी। चलिए सबके अमाउंट देखते हैं। हाँ बताइए भैया।